केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यहां राज्य के भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में सोमवार को गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर को श्रद्धांजलि दी। जम्मू एवं कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। क्राइस्ट चर्च की एक अदालत ने 15 मार्च को क्राइस्ट चर्च की मस्जिदों में हुए हमले का वीडियो शेयर करने के आरोपी एक 18 वर्षीय किशोर को जमानत देने से इनकार कर दिया। टोरंटो एयरपोर्ट पर आग लगने से लोगों में दहशत का माहौल पाया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर नेता दिगंबर कामत का कहना है कि उन्हें बीजेपी द्वारा गोवा का मुख्यमंत्री बनने का कोई न्योता नहीं मिला है। कांग्रेस ने 48 घंटों में दोबारा किए गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश किया है और कहा है कि हमारे पास बहुमत है। गन्ना काश्तकारों की चीनी मिलों द्वारा पड़ी करोड़ों रुपए की अदायगी के लिए संघर्ष कर रहे किसानों की हिमायत में आज भारतीय किसान यूनियन एकता उगाहों की ओर से संगरूर और बरनाला में अर्थी फूंक कर प्रदर्शन किया जाएगा। बीती रात कम्बोज थाना के अधीन पड़ते गांव मुरादपुरा में रंजिश के अंतर्गत एक परिवार के मेंबर प्रवासी भारतीय महावीर सिंह पर गांव के ही नौजवान हरविंदर सिंह द्वारा गोलियां मारकर कातिलाना हमला किया गया। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के राजौरी में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, जिससे भारत की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बन रही बायोपिक का देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों में ही शुरू होने वाली है, हालांकि इसका पहला पोस्टर भी सामने आ चुका है।